हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। और गाइस, मेरे इस चैनल के नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सैमसंग के ऐसे पांच फ़ोन कौन से सबसे बढ़िया है जो 10,000 के रेंज में आते हैं। और गाइस, ये वीडियो है अंडर 20,000 के रेंज में सैमसंग के कौन से पाँच फ़ोन सबसे अच्छे हैं। और गाइस, इस वीडियो में मैंने जितने सारे फ़ोन मतलब इंक्लूड किया है, पांच फ़ोनों की लिस्ट दी है, उन फ़ोनों में एटलीस्ट आपको 6 GB की रैम मिल ही जाएगी। साथ में बहुत सारे फ़ोन में आपको 64 MP कैमरा मिल जाएगी, और साथ ही बहुत सारे में 48 MP की, और साथ ही गाइस इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। और गाइस, मैं इतना तो कह ही सकता हूँ यार कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। और गाइस, एंड में मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक रिलेटेड और फ़ोन के अनबॉक्सिंग के वीडियो इस चैनल में आते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वाइज, हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पे जो फ़ोन है वह फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी M30s। और गाइज, मैं यूज़र की तरफ से कुछ रिव्यू वगैरह मैं देख रहा था इस फ़ोन का, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनका यार। वो बोल रहे हैं कि इस बजट में ये फ़ोन बेस्ट है। तो गाइज, चलिए से इस फ़ोन के हम जल्दी से इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। गाइज, इस फ़ोन में आपको डिस्प्ले 6.4 इंच की फुल LED डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही डिस्प्ले टाइप की हम बात करें तो AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आपको। साथ ही इसमें आपको प्रोसेसर Exynos 9611 की मिल जाती है। साथ ही गाइज, अगर हम इस फ़ोन के रैम की बात करें जिसमें आपको रैम 6 GB विथ इंटरनल और 128 GB मिलती है, 128 GB का अपना आपको इस फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। और गाइज, वहीं अगर इस फ़ोन के हम कैमरे की बात करें तो कैमरा भी इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है यार। इसमें आपको बैक में 48+8+5 MP की कैमरा मिल जाती है, साथ ही फ्रंट में आपको 60 MP कैमरा मिल जाती है। साथ ही गाइस, इसकी बैटरी लाइफ काफी ही पावरफुल है यार। इसको इस फोन का बैटरी लाइफ में अगर रेटिंग मिली है तो वो 10 out of 10 मिली है। कुछ वेबसाइट में इस फोन के बैटरी में 10 out of 10 रेटिंग मिली है, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है। साथ ही गाइस, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग 50W का मिल जाता है। वहीं गाइस, अगर इस फोन के हम अंत में प्राइस की बात कर लें यार, तो इस फोन का प्राइस आपको 16,999 rupees पड़ेगा। तो गाइज़, अगर अंत में एक ओवरऑल कंक्लूजन दिया जाए कि इस फ़ोन के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो गाइज़ गुड में आता है आपका इसका AMOLED डिस्प्ले जो काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ ग्रेट है, और साथ ही कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही है इस फ़ोन का। और गाइज़, इसके बैड फीचर्स की बात करें, कुछ इशूज़ की बात करें, तो इसका है कैमरा इज स्लो फोकस, मतलब कैमरा का फोकस थोड़ा स्लो है। और इसके अलावा ये फ़ोन काफ़ी ही अच्छा है यार, 17,000 के प्राइस रेंज में, मतलब बेस्ट है ये फ़ोन, आप इस फ़ोन को भी ख़रीद सकते हो। तो गाइज, अगर नेक्स्ट फ़ोन की बात करें जो हमारे लिस्ट पर नंबर 4th पे आती है, वो फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी A21s। और गाइज, इस फ़ोन की सबसे खासियत ये है कि इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में। तो चलिए इस फ़ोन के बाकी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, अगर इस फ़ोन की हम डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 6.5 इंच की LED+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है गाइज, मतलब काफ़ी बड़ी डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। साथ ही गाइज, इस फोन में प्रोसेसर आपको Exynos 850 की ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। और गाइज, इस फोन की अगर हम रैम की बात करें तो इसमें आपको 6 GB की रैम विथ इंटरनल स्टोरेज 64 GB इसमें मिलती है, और इससे पहले वाले फ़ोन में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज थी, बट इसमें 64 GB की है। साथ ही गाइज, इस फोन में कैमरा आपको बैक में क्वाड कैमरा मिल जाता है 48+8+2+2 MP की, साथ ही फ्रंट कैमरा भी इसमें आपको 30 MP का मिल जाता है। साथ ही गाइज, अगर आगे बढ़ा इस फोन की हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और गाइज, 5000 mAh की बैटरी भी काफ़ी अच्छी है यार, बुरी नहीं है। और साथ ही गाइज, इसमें आपको 15W का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है इस फोन में सपोर्टेड। और गाइज, अंत में अगर इस फोन की हम प्राइस की बात करें तो इस फोन का प्राइस 16,499 rupees पड़ेगा, मतलब ये फ़ोन 16,000 के बजट में आ जाता है। तो गाइज, आपका बजट अगर 16,000 है तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल ही खरीदना चाहिए यार। इसकी बैटरी बस 5000 mAh की है, जो कि बुरी नहीं यार, अच्छी बैटरी है। तो गाइज, इस फ़ोन के लिए आप बिल्कुल ही जा सकते हो। गाइज, हमारे लिस्ट पर नंबर 3rd पे जो फ़ोन है वो फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी M21। और गाइज, इससे पहले जो मैंने नंबर 5 और 4 पे बात की जो फ़ोन, उस फ़ोन से ये फ़ोन बढ़िया है। और गाइज, खास बात यह है कि ये तीनों फ़ोन एक ही बजट पे आ जाते हैं 16,000 to 70,000 के रेंज में, बट फिर भी कुछ फीचर्स हैं जो इस फ़ोन को उस दो फ़ोनों से बेस्ट बनाता है। तो गाइज, चलिए बात करते हैं उन फीचर की जो इस फ़ोन को उन दोनों फ़ोनों से अच्छा बनाता है।
तो गाइस सबसे पहले तो इस फोन का डिस्प्ले है यार, इसमें आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। उन सब फोनों में फुल एचडी प्लस डिस्प्ले नहीं थी, एचडी डिस्प्ले थी, एचडी प्लस डिस्प्ले थी, बट इसमें आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है देखने को। साथ ही फ्रेंड्स इस फोन में आपको प्रोसेसर एक्सिनोस 9611 की मिल जाती है। और गाइस अगर इस फोन के हम रैम की बात करें तो इस फोन में रैम आपको 6GB की मिल जाती है और इंटरनल स्टोरेज इस फोन की 128GB है, जो कि एक अच्छी बात है इस फोन के बारे में। और वहीं गाइस इस फोन का कैमरा भी काफ़ी ही अच्छा है, उस दो फोन से तो इस फोन का कैमरा बढ़िया है। इसमें आपको बैक में 48+8+5 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, साथ ही इस फोन का फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल है, और जो इससे पहले जो दो फोन से उसके फ्रंट कैमरा इससे कम थे, इसमें आपको 20 मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है। तो गाइस आप समझ सकते हो कि 20 मेगापिक्सल से आपका सेल्फी कैश की मतलब अच्छी क्वालिटी आएगी। साथ ही इसमें आपको बैटरी 6000mAh की मिल जाती है। और गाइस ये फोन 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और बैटरी भी काफ़ी पावरफुल है यार। और गाइस अगर इस फोन के अंत में हम बजट की बात करें तो ये फोन आपको 70,649 पे आता है। एंड गाइस हमारे लिस्ट पे नंबर सेकंड पे जो फोन है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M31। और गाइस इससे पहले जितने सारे मैंने तीन फोनों की बात की उन सब फोनों से ये फोन बढ़िया है। और गाइस मैं एक बात हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर 20,000 के बजट में सैमसंग का ही फोन लेना है तो आप M31 के लिए जा सकते हो जो हमारे लिस्ट में नंबर सेकंड पे है, या फिर जो हमारे लिस्ट में नंबर वन पे M31S उसके लिए जा सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले M31 के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस फोन में आपको डिस्प्ले 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस मिल जाती है, साथ ही गाइस इसमें आपको डिस्प्ले टाइप एस एमोलेड की मिल जाती है और डिस्प्ले काफ़ी ही बड़ी और फुल एचडी प्लस है। साथ ही गाइस इस फोन का प्रोसेसर आपको एक्सिनोर 9611 की मिल जाती है। और वहीं गाइस इस फोन के हम अगर रैम की बात करें तो इसमें आपको 6GB की रैम विथ इंटरनल स्टोरेज 64GB मिल जाती है। और गाइस इस फोन का कैमरा काफ़ी ही अच्छा है, मतलब काफ़ी ही दमदार है। गाइस अगर इस फोन के हम कैमरे की बात करें इसमें आपको कैमरा बैक में क्वाड मिल जाता है 64+8+5+5 मेगापिक्सल की, वहीं फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है। वहीं गाइस इस फोन का बैटरी लाइफ भी काफ़ी ही बढ़िया है, इसमें आपको 6000mAh की काफ़ी ही पावरफुल बैटरी मिल जाती है देखने को। और गाइस वहीं इस फोन के अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 15W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और बैटरी भी काफ़ी ही पावरफुल है इस फोन का। और गाइस अंत में अगर इस फोन के हम प्राइस की बात करें कि ये फोन कितने के प्राइस रेंज में आता है तो इस फोन का प्राइस है 18,249। एंड गाइस चलिए हम फाइनली उस फोन की बात कर लेते हैं जो हमारे लिस्ट में नंबर वन पे है, वो फोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M31S। एंड गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि M31 और M31S में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग 50 वाट की मिल जाती थी M31 में, और इसमें आपको 25W की मिल जाती है, और साथ ही कुछ माइनर चेंजेस डिस्प्ले में। तो चलिए इस फोन के हम फीचर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करें इसमें आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। M31 में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती थी, इसमें आपको 6.5 इंच की मिल जाती है। वहीं प्रोसेसर इसमें आपको एक्सिनो 9611 की मिल जाती है। वहीं रैम भी इस फोन का सेम ही है उस फोन के तरह, इसमें आपको 6GB इंटरनल स्टोरेज 64GB के साथ ये फोन आती है। वहीं गाइस अगर इस फोन के हम कैमरे की बात करें तो कैमरा भी सेम एज M31 जैसा ही है, इसमें आपको क्वाड कैमरा बैक में मिल जाती है 64+8+5+5 मेगापिक्सल की, वहीं फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है। और बैटरी भी इस फोन में आपको 6000mAh की मिल जाती है, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस फोन में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। M31 में आपको 15W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती थी, और इसमें आपको 25W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वहीं गाइस अगर इस फोन के हम प्राइस की बात करें तो इस फोन का प्राइस आपको 19,499 पड़ेगा। एंड गाइस अगर इंड में मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन दूं कि आपको 20,000 के अंडर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो वो दो ही फ़ोन है, M31S और M31। और गाइस अगर इन दोनों फ़ोन में बात करूं कि आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए तो मैं तो बोलूंगा कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप 2000 ज़्यादा देख के M31S क्यों लोगे, क्योंकि कुछ माइनर ही चेंजेस हैं यार। इसमें आपको बस डिस्प्ले 1 इंच का M31 में कम मिल जाता है, और उसमें आपको 15W का चार्ज मिल जाता है, M31 में 25W का चार्ज मिल जाता है, तो आप 2000 ज़्यादा क्यों दोगे। तो गाइज अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त हमें सपोर्ट की काफी ज्यादा आवश्यकता है, और सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे वगैरह लगते नहीं यार, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।